ना मावा खोया, ना मिल्क पाउडर, ना कोई चाशनी का काम। बहुत बहुत टेस्टी गेहूं के आटे से बनी हलवाई स्टाइल दानेदार बर्फी बनाना है बहुत ही आसान। मिठाई खाना तो हमेशा ही सभी को पसंद होता है, और अभी तो त्योहार भी इतने सारे आने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत ही आसान और बहुत बहुत ही टेस्टी, घर में रखी सिर्फ तीन चीजों से झटपट बनाएंगे दानेदार गेहूं के आटे की बर्फी मिठाई, जिसे एक बार बनाइए और महीने भर खाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल आटे की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक भारी तले की कढ़ाई या कोई पैन ले लीजिए। अब यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। इसमें ना कोई अभी घी डालेंगे ना तेल। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा, सिंपल वही आटा जिससे रोज में अपने रोटी पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी मेजरमेंट के लिए घर की कटोरी या कप ले लीजिए, उस अनुसार पूरी मिठाई का आप माप लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको बनाना। तो मैंने यहाँ पर ये कप ले लिया है, तो उसके अनुसार ये हो गया 1 कप आटा और ये 1/2 कप आटा, टोटल 1.5 कप आटा। आटे को लो फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह चलाते हुए बढ़िया से भूनेंगे। जितनी बढ़िया लो फ्लेम पर आप भुनाई करेंगे, उतनी ही स्वाद आपकी बर्फी में निकल कर आएगा। यहाँ जरूरी पॉइंट, बहुत ज्यादा आटे को डार्क नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया अच्छी खुशबू आने तक, अच्छा बढ़िया गोल्डन कलर आने तक, तब तक हमें आटे को भूनना है। चलाना जरूर है, वरना क्या होगा कि कहीं कहीं से आटा ज्यादा ब्राउन हो जाएगा, कहीं से कम, तो फिर वो रौनक नहीं आएगी। इतनी आसान है कि कोई भी बिगनर बैचलर, कभी भी आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, झट से आप बना लेंगे। और इसके अंदर जो आज मैं एक सीक्रेट चीज डालने वाली हूँ, उसके बाद तो ये 2-in-1 स्वाद देगी, मजा आ जाएगा खा करके। और ये देखिए, आटे को थोड़ा सा ही मैंने अभी भूना शुरू किया है, आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट। इसी स्टेज पर मैं इसमें देने वाली हूँ एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बाद तो बर्फी का लेवल ही अलग हो जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बेसन, यानी 1.5 कप आटा लिया और 1/4 कप बेसन। 1/4 कप ऐसे समझिए लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब मैं बेसन डाल रही हूँ। तो बेसन को भी यहीं डाल देंगे और बढ़िया से आटे के साथ भून लेंगे। इतना बढ़िया टेस्ट आएगा ना आपकी बर्फी में, 2-in-1 हो जाएगी, बेसन की बर्फी का भी टेस्ट आएगा और आटे की बर्फी का भी। अच्छा, तीसरी चीज, जब आप इसमें बेसन और आटा कंबाइन करके बनाएंगे तो आपको इसमें मावा बर्फी का भी टेस्ट आएगा। तो मतलब 2-in-1 नहीं, आप इसे 3-in-1 बोल सकते हैं। बना के जब आप खाएंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे बहुत ही बढ़िया बनी ये बर्फी। अच्छा, यहाँ पर मैंने घी तेल वगैरह पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले डालते हैं तो बहुत ज्यादा लग जाता है। इस तरह थोड़ा पहले भून लेंगे ना, फिर आप घी वगैरह डालेंगे तो एक तो समय कम लगेगा, घी भी कम मात्रा में लगेगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने बेसन को भी हल्का सा भून लिया है। इस स्टेज पर अब इसमें डालेंगे घी। तो देखिए, मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 कप घी, मतलब 6 बड़े चम्मच के करीब घी ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। अच्छे से करेंगे मिक्स और लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए घी के साथ अब आटे और बेसन को भूनेंगे। आज ये बर्फी बिना चाशनी के बना रही हूँ मैं, वो ट्रिक भी देखिएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको चाशनी बनाने की, ना ही कोई कंडेंस मिल्क डालने की, ना किसी मावा खोया की। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आएगा, एकदम बढ़िया टेक्सचर के साथ। अब 1 बड़ा चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ, तो थोड़ा रुक रुक के घी डालेंगे ना तो कम लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो इसमें हमने आटा बेसन भून रहे हैं ना, अपने आप ही थोड़ा घी छोड़ने लगेगा, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। अगर आपको यहाँ ज्यादा ड्राई फील हो, क्योंकि डिपेंड करेगा कितना मोटा आपने बेसन लिया है या आटा लिया है, तो थोड़ी घी की मात्रा और बढ़ा लें। और ये देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर पास से दिखाती हूँ। देखिए, जब मैं इस तरह से स्पून को मैश कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मावे वाली लुकिंग आ रही है, ये देखिए। और अपने आप ही देख सकते हैं आप, आटे और बेसन ने घी भी छोड़ दिया है, साथ ही कलर भी बढ़िया आ गया है, खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है, कच्चापन बिल्कुल निकल गया है आटे और बेसन का। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी का पाउडर। तो जो कटोरी या कप आपने लिया है गेहूं के आटे के लिए, उसी से आप 1/2 कप चीनी डालें। तो चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया और इस तरह पाउडर बना लिया, इससे ये जल्दी से मेल्ट होकर हमारा समय बच जाएगा और बढ़िया कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आ जाएगा। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी के पाउडर को भी मिक्स करेंगे। चाहे तो कुछ क्षण के लिए गैस को बंद कर लीजिए, पहले बढ़िया से मिला लीजिए, फिर थोड़ा सा उसे 1-2 मिनट और पकाइए। धीरे धीरे देखेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी ना, बिल्कुल बंधी बंधी सी हो जाएगी, आपको कोई चाशनी का झंझट ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ये मैंने डाली पहले 1/2 कप चीनी का पाउडर और अब ये 2 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर और डाल रही हूँ, लगभग ऐसे समझिए 3/4 कप। जैसा मीठा आप पसंद करें, उस अनुसार आप थोड़ा सा ज्यादा या कम इसे कर सकते हैं। तो 3/4 कप इतनी मात्रा के लिए परफेक्ट रहेगा। अब आप कहेंगे, पारुल अगर ये ना हो तो, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ से कैसे बनानी है वो रेसिपी मैं आपके साथ सुकड़ी की पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इस मिठाई को गुड़ से भी बना सकते हैं।
और बचा हुआ घी भी यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आपको घी की मात्रा कम लगे तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ ये घी लिया है, अगर आप घी ना लेना चाहें तो फिर आप इसे वनस्पति घी में बनाइए, उससे इसकी कंसिस्टेंसी बंदी बंदी रहेगी तो आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट जमेगी बिना किसी चाशनी के। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है और एकदम टेक्सचर परफेक्ट है। पूरा मिक्स देख सकते हैं, इस तरह से पैन को छोड़ भी रहा है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है बर्फी जमाने के लिए। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इसको भी यही मिक्स कर देंगे। लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी गेहूं के आटे की बर्फी जमने के लिए। तो बस गैस को करेंगे बंद। यहाँ पर मैंने ली है बर्फी जमाने के लिए ये बर्फी वाली ट्रे, आप चाहें तो स्टील की थाली, प्लेट, कुछ भी ले सकते हैं। इस पर थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लेंगे और सारा आटे की बर्फी का मिक्स इस पर डाल देंगे। और अभी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी दिख रही है ना, बिना चाशनी के भी। बस इसको इस तरह से लेवल कर देंगे, कितनी पतली कितनी मोटी उस हिसाब से आप इसको स्प्रेड कर लें। और ऊपर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो ड्राई फ्रूट से या बाद में चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट ही इतना बढ़िया है कि डेकोरेशन मैटर ही नहीं करती। और ये लीजिए, मैंने बर्फी को बिल्कुल बढ़िया से पिस्ता और बादाम से सजा लिया है, कितनी सुंदर दिख रही है, बिल्कुल लगेगा जैसे बेसन की बर्फी मिलती है ना मार्केट में, बिल्कुल वैसी बनेगी। और इसको अभी हल्का सा सेट होने देंगे, और जब ये सेमी सेट हो जाएगी, यानी हल्की सेट हो जाएगी, उसके बाद नाइफ से कट के मार्क लगा लेंगे, जिससे बाद में बर्फी काटे तो पीसेस टूटे नहीं। और ये देखिए, हमारी बर्फी हो गई है सेमी सेट, यानी पूरी तरह जमी नहीं है, हल्की हल्की सेट हो गई है। तो बस इसी स्टेज पर इस पर लगा देंगे कट मार्क्स, जिससे कि बाद में ना हम आसानी से अपनी बर्फी को निकाल पाए और अपनी मनचाही शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल वैसे जैसे बेसन की बर्फी मिलती है ना मार्केट में हलवाई स्टाइल, वैसे कट कर रही हूँ, तो देखने में भी बढ़िया लगेगी, खाने में भी मजा आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। और इस तरह से कट मार्क लगाने के बाद अब इसको पूरी तरह से सेट होने देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे तो आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी छोड़ देंगे ना, तब भी से 15-20 मिनट और लगेंगे, बिल्कुल बढ़िया ये सेट हो जाएगी। और हमारी आटे की बर्फी है बिल्कुल तैयार, ये देखिए परफेक्ट सेट हुई है। तो बस इस तरह से धीरे से एक पीस को निकालेंगे। वाव, बहुत ही बढ़िया शानदार गेहूं के आटे की बर्फी तैयार हुई है। कोई देख के बोल सकता है कि आपने आटे से बनाई है। और ये देखिए इसका टेक्सचर, मैं सब तरफ से आपको दिखा रही हूँ, बिना चाशनी बनाई है, बिना किसी कंडेंस मिल्क, बिना किसी मिल्क पाउडर, इतनी बढ़िया हमारी आटे की बर्फी तैयार हुई है। और अब मैं ना भी आपको पहले साइड वाला पीस ही तोड़कर दिखाती हूँ, क्योंकि मन नहीं हो रहा, इतनी सुंदर इसकी लुकिंग आई है बर्फी की। ये देखिए, अब आप बर्फी देखिए, मस्त बनी है, एकदम बढ़िया, परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और परफेक्ट टेक्सचर के साथ। जितने ये देखने में लग रही है ना बढ़िया, खाएंगे तो एक पीस के बाद दूसरा जरूर उठाएंगे। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, परफेक्ट। ये देखिए इसका दानेदार टेक्सचर, बहुत बहुत ही बढ़िया, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। और अब तो बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। जब अचानक से दिल चाहे मीठा खाने का, तो सोचिए मत, फटाफट बनाइए गेहूं के आटे की ये हलवा स्टाइल बर्फी। इतना बढ़िया टेस्ट है कि आप बेसन बर्फी, मावा बर्फी छोड़ इसी को खाना चाहेंगे। इस तरह आप बना करके बस आप इसे एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, आराम से 25 दिन भी ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। जब दिल चाहे निकालिए और खाइए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत तरह की बर्फी की रेसिपी शेयर की हुई है, वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब आप मेरी रेसिपी से मिठाई बनाएंगे तो नो फेल वाली बनेगी, परफेक्ट है और मेरी गारंटी है। तो आप भी जरूर बनाएं इस आटे की बर्फी को, मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको सिंपल, सरल और बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं के आटे की ये बर्फी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।